Bismillahir Rahmanir Rahim Al Quran The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح ربي سن علما اللهم فقهنا في الدين امين يا رب العالمين چلے انشاءاللہ احکام تجوید میں آج ہم سورہ الرحمن کی جو ہے آیت نمبر 54 سے لے آخر تک انشاءاللہ دیکھتے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان मुत की इस पर ज़रा गौर करें ताकि ऊपर श्रद्धा है दो आवाज़ निकलेगी इसकी दो मरतबा काफ़ को हल्का पढ़े और उसके बाद देखिए कि इसको काफ़ ना पढ़े काफ़ ये काफ़ और हमसा को हल्का करते हुए इसके साथ या मत या करें नून को जल्दी अदा करें आगे आइन को हलक से निकाले लाम पर खड़ा ज़बर है फ़ा है रहा फुरू इसको जल्दी से अदा करें फिर शीन के साथ तनवीन है फिर हर्फ बा आया है तो इलाब हम करेंगे यहाँ पर और मीम का गुना भी करेंगे तो तोाको जो है मोटा पढ़ें और मद मुतसर करते हुए चार से पाँच काउंट दें आप उसको खींचें और नून को जल्दी पढ़ें और हा के साथ अलिफ मदियाँ करें आगे नून साकिन के बाद हमज़ा है तो यहाँ पर इजहार हम करेंगे नून साकिन का और बाप कलकला और अगर आप कफ़ पर रुक रही हैं तो कफ़ पर भी आप आरसी सुकून देकर रुकेंगे वाव जीम और नून को जल्दी अदा करें लाम में मर्श करते हुए और आगे नून मुशद्दा है तो गना करें ताको या लीन के साथ जो है वो थोड़ा सा इलॉन्गेट करें नून को जल्दी अदा करें और दाल को मत करते हुए नून पर साकिन कर दें फिर वही आया था हमारे आगे इसको गौर से सुने जरा से आला ई रब पिकूमा तुका दीवान इस तरीके से अदा करें हरकत पर ध्यान रखें किसी को ज़्यादा खींच ना दें किसी को बिल्कुल जल्दी ना पढ़े ऐसा शॉर्ट एंड लॉन्ग ना करें उसके बाद आयत नंबर फिफ्टी सिक्स देखें फा के साथ या मत दिया है इसको दो काउंट दें को जल्दी पढ़े नून पर ऊन ना करें और फिर कफ़ को मोटा पढ़ें यहाँ पर टू काउंट दें खड़ा जबर रोक को भी मोटा पढ़ें टू काउंट स्वाद को भी मोटा पढ़ें रोक हर जबट टू काउंट देने के बाद आपको ताक तोा में मिलाना है थोड़ा तो सा मुश्किल है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा तौर, तौर, तो तरफ त्वर त्वर ठीक है फा को जल्दी अदा करें और यहाँ पर देखिए लाम अलिफ लिखा हुआ है और ये जो है हमारा नॉन स्टॉपिंग कंपल्सरी साइन है आपको रुकना बिल्कुल नहीं है लम पर जो है मीम पर साकिन है तो कलकला से बचे या को तोा में मर्च करें और मोटा करें या तो या तो कल कला करते हुए और मीम को स में मिलाए या तो मिस मिस यहाँ पे कल कला ना करें ठीक है करे, नून मुशद्दा है यहाँ पर गुन ना करें नून साकिन के बाद सीन है तो हम यहाँ पर एकफा टू काउंट देंगे फिर सीन पर तनवीन है क़यफ है तो फिर एकफा का टू काउंट देंगे ऐसे ठीक है वहाँ पे कलकला करें लहूम को जल्दी अदा करें वला लाम को टूकाउन दें और जीम के साथ देखें कि मद्द लाजिम है क्यों क्योंकि हरूफ मदिया के बाद यहाँ पर मुश्दा लेटर है नून मुशदा है और तश्दी आने की वजह से हम इसको मद लाजिम कहेंगे और यहाँ पर आप जो है वो जीम को मत करते हुए नून को साकिन करें लेकिन गुण न ज़रूर करें उसके बाद फिफ्टी सेवन फब अला इबिकुमा तुका एतमार फिफ़्टी एट देखें काफ़ है अलिफ़ हमज़ा है वहाँ पर नून मुशद्दा है गुना करें और फिर दो बार नून मुशद्दा आया है बीच में हाँ है गुना करें और नून को लाभ में मिला या को अलिफ मदिया काफ़ वाम मद्या करें दो 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 देकर ता को जल्दी से अदा करें वा को लाम में मर्ज करें माँ को रो में और जीन के जीम को मत करते हुए उनको साकिन कर दें फिर वही आयत हमारी रिपीट जो है वो आ गई है आयत नंबर सिक्सटी देखें फिर यहाँ पर हल यहाँ पर हल पढ़ते वक्त आप लाम पर कलकला से बचे हल हल ऐसा नहीं करना है जीम है जीम के साथ ज़ाय देखिए जज़ जज़ और इसको अदा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आप आस आसानी से जो है आराम से कर सकते हैं जा के बाद देखिए यहाँ पर जो है मध है मध के बाद हमजा उसी कलमे में है मद मुतसिल है आपको चार से पाँच काउंट देना है प्लस हमजा को लामी मिलाना है और हमजा को हामि मिलाएं एह सीन को कोलिफ मत करें नून को जल्दी अदा करें और उसके बाद इल्लल यहाँ याद रखें नून मुश सॉरी लाम मुशदा है फिर और एक लाम साकिन है तो एल इस पर ध्यान से पढ़े फिर सीन को मर्द करते हुए नून को साकिन कर दे फिर वही रिपीट वाली आयत हमारी आ गई फबी अल एबी को तो कर देवान फिर अगली आयत पे चले 62 पर वाव है नून साकिन के बाद यहाँ पर दाल है टू टोकाउ दे दाल के साथ वाव मत दिया है नून को जल्दी अदा करे हा को भी जल्दी अदा करें और दूसरा जो है वो आ, मीम के साथ हलीफ मदिया करें फिर जी में देखिए उसके बाद नून मुशदा है तो यहाँ पर आप जो क्या करेंगे आ, गुना करेंगे याद रखें यहाँ पे जन्ना पढ़ें इसको जन्ना एक वन काउंट तान यहाँ पे मत करते हुए नून को साकिन कर दे फिर पी डी वाली आयत आ गई है आयत में सिक्सटी फोर देखे मुद मुद दाल पे अल करें हा के साथ मद लाजिम सात आपको काउंट देना है छः से सात और मीम मुशदा है तो गणा करें ध्यान रखें यहाँ पर आपको मत भी करना है मीम मुश्दा प्यालना भी करना है ताको खींचते हुए नून को साकिन कर देना है कैसे मुद हतान ऐसे फिर रिपीट वाली आयत आ गई सिक्सटी सिक्स देखें फिर उसके बाद फ़ी हिमा पा के साथ या मद्या करें हा को जल्दी अदा करें मीम कोलिफ मद्या के साथ पढ़ें आइन के साथ लीन करें आई आई और नून के खड़ा जबर टू टुकाउे दूसरे नून को जल्दी अदा करें दुआत को मोटा पढ़ें और देखें कि नून को दुआत में मिलाते हुए दुआत को अलिफ मद्या करें ख्वा को मोटा करें और ता को मत करते हुए नून को साकिन कर दें फिर रिपीट वाली आयत आ गई है और उसके बाद सिक्सटी एट देखें फ़ी ही माह हम पढ़ चुके इसको और फ़ा फाकी हतों ये भी हमारा हो चुका है ताप तनवीन है उसके बाद वाह मुश्रद्दा इदगामी तौना हमें देना है नून को ख़्वा में मिलाएं नख नख हैवी करें लाम देखिए कि यहाँ पर जो है वो तनवीन है उसके बाद वाव मुशद्दा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इदगाम तना तो रॉ को मीम में मर्ज करें और प्लस से मीम पे गुन्ना और अलिफ मदिया बल्कि मत करते हुए इसको नून को साकिन कर दें फिर रिपीट वाली आयत आ गई है आयत नंबर सेवेंटी देखें फी यहाँ पे या या मदिया के वैसे टू कॉर्न देंगे हा है हा के बाद नून मुशद्दा तो आप उसको टू टू कॉन सगुना तो करें फिर ख्वा को जो है भारी करें लेकिन उसके आगे लीन लेटर है तो लीन को हल्का करें लेकिन ख्वा को भारी करें रॉ को काउंट दें तरमीन के बाद हा या है रूफ़ हल किया तो आपको तरमीन ज़ाहिर करनी है ख्वाही देखे ख्वा रो तुन ऐसे और फिर हा है सीन को मत करते हुए नून को साकििन कर दें फिर हमारी आयता आगे फबी अयी अल इबी को हा के साथ वा मद़्या है तनवीन फिर रॉ के ऊपर है फिर ममतःम ना कला पर सुकून असली है कल कला करें मुक सॉरी मक पर स्वाद को देखे कि मोटा पड़े और उसके साथ वाह मदिया भी करें रॉ को खड़ा जबर टू काउंट दे और उसके बाद जो है वो तनवीन के बाद फ़ा आया है एक खा का टूकान दे फा को लामे मिलाए ख्वाह को मोटा पड़े या को मत करते हुए मीम को आगे साकिन कर दे फिर आगे आए तो रिपीट वाली आ गई है सेवेंटी फ़ोर में देखें लम जल्दी से अदा करें या, या के बाद तो देखिए साकिन है सुकून असली है तो कलकला खौल करें मीम को सामने मिलाएं हाँ को नू ने मिलाते हुए नून को गुना करें फिर नून शॉकिन के बाद यहाँ पर सीन जो है वो लेटर आया है और काफ़ आया है पीछे हम इस पर बात कर चुके हैं दोनों जगह एकफा होगा बाप कलकला करेंगे और फिर उसके बाद लहूम जल्दी से अदा करें वाव है लाम को आलिफ मद टू काउंट दें जीम के साथ जो है मद है उसके बाद नून मुशद्दा है तो मद असली है ये यहाँ पर हम छः से सात काउंट देते हुए नून को गुना करते हुए साखिन करें फिर रिपीट वाली आयत आ गई है फबी अजी अला इी को मैं तो आगे ये भी हम पढ़ चुके फिर एक बार देख ले मुझ तक ई ना ध्यान रखिए काफ़ ना पड़े काफ़ पड़े इसको अला को देख ले लाम पर खड़ा जबर टू काउंट दे दें दे आप रॉक को फामी मिलाए रॉफ रॉफ़ और थोड़ा सा उसमें रिखावा रखे फिर रॉ फिर पे तनवीन है हल्के खवा आया है तो हम यहाँ पर इजहार करेंगे तनवीन का ख्वा खुद बौद ने मिला है दोनों हैवी लेटर है रॉ के साथ तनवीन है फिर वा मुशद्दा है तो यहाँ पर हम इतमी तगुना तो करेंगे और आयन है बा पे देखें कि सुकुन असली है कल करें फिर कफ़ है रॉ और उसके बाद या तनवीन है और देखिए याद रखें या मुशदा भी है तो आप देख आप देखिए अब करीन ऐसे दो दफ़ा इसको पढ़ना है और तरवीन को ज़ाहिर करेंगे क्योंकि हया है सीन को मत करते हुए उनको साकिन कर दे ठीक है अगली आयत पर चलते सेवेंटी सेवन वही रिपीट वाली आयत फ़ी अला इबी को मातु आखिरी आयत देखें कि ता है रॉ जबर है इसको हैवी करेंगे लेकिन उससे पहले बा पे जो खड़ा ज़बर है टूकॉन दें काफ़ को सीन में मिला अच्छे से सफ़ीर करते हुए मीम को जल्दी अदा करें तबा रस ऐसे मुँह ऐसे फिर रोब भी रॉ को मोटा पड़े और बा को जल्दी से अदा करें और काफ को जो है भी ना करें जाल को लाम में मिलाएं जेल जेल ऐसे ठीक है और जीम है फिर लाम पे खड़ा जबरत टुकान दे अगेन लाम ज़ेर के साथ है जल्दी अदा करें बा को लाम में मिलाएं और हमसा को काफ़ में मिलाते हुए हमस करें एक इक को मत करते हुए मीम को साकिन कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर सेवेंटी एट जो आखिरी आयत थी सुल रहमान की वो हमारी मुकम्मल हो गई है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आपको सारे अहकामा समझ आ गए होंगे चले रिव्यू कर लें एक दफ़ा सारी आयतों का इनशा आयत नंबर फिफ्टी फ़ोर से देखें وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قافرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فباي الاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فباي الاء ربكما تكذبان حور مقفره في الخيام فباي الاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وابرقي حسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جزاكم الله خير سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته सूर्य रहमान भी अल्लाह के फजल करम से हमारा मुकम्मल हुआ और आप दूसरों तक पहुँचाएँ ख़ुद भी करेक्शन करें और लोगों को भी मौका दें कि उनका भी करेक्शन हो जाए जिस तरीके से अल्लाह सुखाना तला ने आपकी तिलावत में सुधार किया इसको अपने लिए सदक़ारिया बनाएँ इन शह मुझे उम्मीद है कि आप अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करेंगे और अल्लाह की रसा के लिए इसको जो है आगे पहुँचाएँगे इन शाला जैसाकूमौ़ीर वालकम वरह लरक